हाँ तो भाई, आज हम यहाँ पर आए हैं अल मदीना फास्ट फूड पे। ये है हमारे बलिया टाउन में बड़ा ही जबरदस्त किस्म का यहाँ पे फास्ट फूड शॉप खोली हुई है। यहाँ पे इनके पास आपको देसी मिलेगा, आपको यहाँ पे इनके पास फास्ट फूड मिलेगा। और भाई इनका जो नाम है ना वो बहुत ही VIP है। यहाँ पे हर बंदा आता है, हर बंदा खा के जाता है। और इनके पास यहाँ पे मीठे भी हैं जो कि बड़े यूनिक हैं, जो कि आपको यहाँ पे बलिया टाउन में कहीं भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, साथ ही साथ अगर मैं आपको लोकेशन बताता चलूँ तो इनकी लोकेशन है यहाँ पे बलिया टाउन में। आप जैसे ही रशीदाबाद की चढ़ाई चढ़ने लगेंगे ना तो आपको बिल्कुल ही उल्टे हाथ पे दिखेगा अल मदीना फास्ट फूड। तो यहाँ पर अभी हम आपको खाना खा के दिखाते हैं कि इनका खाना कैसा है और साथ ही साथ इनका रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं। तो चलें हमारे साथ। अस्सलाम आरिफ भाई, क्या हाल आपका, कैसे? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो आरिफ भाई, आज हम आए न्यू अल मदीना पे जो कि बर्गर एंड फास्ट फूड है, तो जरा इसकी हिस्ट्री बताएं जरा हमें। हम 2017 से रशीदाबाद PSO पंप से कुछ कदम दूरी से फ्राइज से स्टार्ट किया था। और आज आपके पास क्या क्या चीज़ है? आज हमारे पास टिक्का है, बारबेक्यू का आला आइटम है, और पिज्ज़ा है, और जिंगर बर्गर है, चिकन रोल, जिंगर रोल, कबाब रोल, शामी कबाब और चपली। अच्छा मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, माशाल्लाह आपके पास यहाँ पे इतने सारे आइटम है, लेकिन क्या आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं टेस्ट में? अल्हम्दुलिल्लाह, कस्टमर को हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। और बाकी कस्टमर एक बार आते हैं तो माशाल्लाह दोबारा लाजिम आते हैं, और अपने साथ में फ्रेंड्स वगैरह फैमिली, हमारे पास फैमिली की भी जगह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी है। और बाकी यहाँ पर हमारे जितने भी उस्ताद वगैरह है वो अल्हम्दुलिल्लाह चुन चुन के हम लोगों ने ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। टाइमिंग क्या है यहाँ पे? हमारी टाइमिंग स्टार्ट होती है 4 बजे से, ऑन होता है रात को 3 बजे तक। हमारी डिलीवरी भी यही है टाइमिंग की, और हमारे सब कुछ। डिलीवरी नंबर आप बताएं? डिलीवरी नंबर हमारे डब्बे के ऊपर है, आपको मैं डब्बा दे दूंगा, आप उसको देख लेना। मेन्यू कार्ड भी आप दे दूंगा मैं आपको, उस पे आपको सब कुछ के सर्विस यानी सर्विस। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो भाई हमारा यहाँ पे खाना आ चुका है, बस एक चीज़ इनकम्प्लीट है, बर्गर आ रही है। ये हमारे पास है हमारा ग्रीन टिक्का, फुल स्पाइसी किस्म का। ये है हमारा मीठा, ठीक है, ये जो हमारा मीठा है ना, ये है हमारा न्यूट्रेला ब्रेड। देख रो भाई, नस्ली किस्म का बना हुआ, उसको हम खाएंगे एंड में, मीठे के लिए रखेंगे। ये तो गया भाई साइड पे, ये खाया जाएगा एंड में। ये हमारा आ गया भाई इनका पिज्ज़ा, तो फुल मज़ेदार किस्म का। और चीज़ तो यार वो नस्ली लग रहा भाई। फिर इसके बाद ये हमारा आ चुका है इनका बारबेक्यू स्पेशल रोल, स्पेशल रोल है बारबेक्यू। तो भाई हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे हम विदेशी से अपने पिज्ज़ा के साथ। ये हमारा आया पिज्ज़ा, बिस्मिल्लाह करते हैं इनके पिज्ज़ा से। ओहो लजीज यार, इनकी जो चीज़ है ना, चीज़ बड़ी मेल्टेड है, चीज़ कड़क नहीं है, और ऊपर से जो उन्होंने चिकन इस्तेमाल किया है ना यार, देखो चिकन भी इनकी फुल स्टैंडर्ड है, बड़े मज़े का है। और पता नहीं इन्होंने नीचे क्या इस्तेमाल किया है, मुझे समझ नहीं आ रही। चीज़ के नीचे देखें तो ये पिंक पिंक कलर की ना, ये पिंक कलर है, ये पता नहीं क्या, लेकिन बड़े मज़े किस्म की इन लोगों ने यहाँ पर कुछ क्रीम डाली है, सॉस इस्तेमाल किया है, उसका जायका बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम, डायरेक्ट अपना बारबेक्यू ट्राई करते हैं, ठीक है। ये बारबेक्यू ट्राई करते हैं हम अपना। इन्होंने बड़ी तारीफ की है कि जो बारबेक्यू रोल है ना, ये इनका स्पेशल है। ये आपको अंदर इसके चिकन नज़र आ रही होगी, ये चिकन है, और बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो मान भाई, बोटी इतनी टेंडर है, मज़ा आ गया यार। वो पता नहीं ये कौन सी सॉस ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी अनोखी सॉस है कि मुझे कहीं और नहीं मिली। बहुत ही मज़े का फुल टेंडर किस्म का जायका यार। मुझे जिस तरीके से बारबेक्यू रोल पसंद है, सेम वही चीज़ है। फिर बारी आती है जी हमारे टिक्के की। भाई ये जो प्रेजेंटेशन है ना नुमान भाई, क्या आपको लग रहा है इस प्रेजेंटेशन को ख़राब किया जाए? नुमान भाई मना करें, लेकिन क्या करें, खाने के लिए इस प्रेजेंटेशन को ख़राब तो करना पड़ेगा। तो हम पहले रोटी के बगैर हाथों से ट्राई करेंगे। ओए होए 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 होए, ये ग्रीन मसाला, ऊपर से ये इनके वाइट सॉस आया है। पहले से ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। नुमान भाई खुदा की कसम इतना मज़े का है। आप बोटी देखें, बोटी इसकी फुल टेंडर है, ग्रीन मसाले का एक अलग से जायका आ रहा है। एक होता है टिक्का मसाला, ये वो नहीं है, ग्रीन है, और ऊपर से उसने वाइट वाइट क्रीम डाली हुई है, उसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका है यार। ओह भाई ज़बरदस्त यार, ये मैक्सिकन सैंडविच ना जी। ये हमारा यहाँ पे मैक्सिकन सैंडविच भी आ चुका है, और ये फुल गरम गरम ताज़ा ताज़ा है,
इसको हम अभी नहीं छेड़ते, सबर करके थोड़ा ठंडा हो जाए, आराम से करें। अच्छा पिज्ज़ा का नाम क्या था? क्रीमी पोटैटो। क्रीमी पोटैटो, हाँ यार मैं वो नाम पूछना बताना भूल गया था, पिज्ज़ा का नाम है क्रीमी पोटैटो। यार देखें एक यूनिक किस्म का नाम है और पिज़्ज़ा भी बड़ा यूनिक किस्म का है, ज़बरदस्त है। मैं आपको बताना भूल गया था, इसका जो नाम है ना नुमान भाई यहाँ करें, इसका नाम है चोको सैंडविच, ठीक है। इसके अलावा भी इनके पास दो और मीठे हैं, टोटल तीन मीठे हैं। पहला है आपका चोको सैंडविच, दूसरा है न्यूटेला सैंडविच, तीसरा है डोनट सैंडविच। आप जगहों पे खाना खाने जाते हैं वहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ें मिलती हैं, आपको मीठा नहीं मिलता। यहाँ पे आप ये चीज़ें खाने के बाद आप मीठा भी खा सकते हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही गर्म खाने की, थोड़ा वीडियो में लेट करेंगे, थोड़ा सब्र कीजिएगा। अच्छा इनके अंडे वाला बर्गर भी हमारे पास आ चुका है भाई, ये ओहो वी आई पी। अच्छा भाई ये भी ना जो है ना ये डबल लेयर्ड है, ये आई आपकी पहली लेयर अंडा, उसके नीचे केचप, उसके नीचे आपकी गोभी, और ये आ गया आपका कबाब, और प्याज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके भाई को प्याज पसंद है। और ये अंडा साइड जैसे निकल रहा है इसको ऊपर रखते हैं, और वी आई पी भाई ये अब हम खा रहे हैं, ठंडा हुआ नहीं है लेकिन क्या करें, बिस्मिल्लाह रहमान। यार एक बड़ी यूनिक चीज़ है यार, ये इनका मैक्सिकन सैंडविच बड़ा मज़े का एक यूनिक किस्म का जायका है इसका यार, मैं इस जायके को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा लेकिन बड़ा यूनिक किस्म का, क्योंकि मैक्सिकन सैंडविच मैंने पहली बार ट्राई किया। यूनिक और दिल को छू जाने वाला, बड़ा मज़े का यार वीआईपी। एंड में हमारे पास आखिरी चीज़ बचती है, वो है हमारा यहाँ पे चोको सैंडविच, इसको भी ट्राई करते हैं और वीडियो का ख़त्म करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये अंदर से कितना भरा हुआ है, फुल लोडेड है। और भाई मैं और नुमान भाई हैं मीठे के शौकीन, मीठे के दीवाने, और हम लोग किस तरह से इस मीठे के लिए रुक रहे थे ना ये आपको नहीं पता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बन कर यार, ये दिल कर रहा जिसने बनाया ना उसका हाथ चूमने का, मन कर भाई मैं हाथ चूमने जा रहा हूँ, बन कर यार इतना मज़े का वीआईपी। उस्ताद अगर आप लोग ये सब चीज़ें देखने के बाद भी आप यहाँ पे नहीं आए, आपने ये यूनिक चीज़ें ट्राई नहीं की, मैक्सिकन सैंडविच बल्दिया टाउन में पहली बार यार, ये एक पिज्ज़ा का क्या नाम बताया, पिज्ज़ा बड़ा यूनिक नाम है बोलो, हाँ पिज्ज़ा पोटैटो ऐसे ही नाम है, यूनिक नाम और यूनिक चीज़ है यार, बड़े मज़े का। ये मीठे में आपको भाई आपको चोको ब्रेड, ये चीज़ें आपको बल्दिया में कहीं नहीं मिलती भाई, ये बाहर के इलाके की चीज़। अगर यहाँ पे आप अल मदीना पे आके नहीं खा रहे हो तो तुम पता नहीं क्या करो भाई, अभी पहुँचो यहाँ पे भाई की रिकमेंडेशन पे, ये चीज़ें ट्राई करो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अल्लाह हाफिज़, शर्जी लाओ।